इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और भी करेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कि खित्ते का अमन भारत को क्यों बर्दाश्त नहीं है, क्यों आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जंग हो? हर वक्त उनके हिसाब पे पाकिस्तान क्यों सवार रहता है? वो हर वक्त जंगी माहौल क्यों चाहते हैं? आखिर से क्या मिलेगा उन्हें? देखिए, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जैसे है डूबना। आज पाकिस्तान में इमरान ने व्यवस्था वहां की आवाम के लिए कर दी है कि आवाम डूबने को मजबूर है। और जब इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है। कभी ये कहा जाता है कि भारत ने सर्जिकल, ये तो इंडिया वाले नहीं करते। एक मिनट सौरभ, मेरी बात सुने, ये तो आपकी सियासत का हिस्सा नहीं कि आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट हो, खासतौर पर बीजेपी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो तमाम हदें पार कर दी कि वो जब देखते हैं कि हमारा वोटर हमसे नाराज ना हो जाए, वो वोटर को दूर जाता देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा देते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जरा वोटर की भी जरा साइकी समझाइएगा कि वोटर क्यों इतना खुश होते हैं जब नरेंद्र मोदी कश्मीर में जुल्म करते हैं या पाकिस्तान में कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं या इस तरह का कोई फॉल्स ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जाली ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, क्यों आपकी जो जनता है या आपकी कुछ जो मखसूस वोटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की तो आपको मालूम होगा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भारत ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया था। और अब भारत के बारे में एक प्रोपेगेंडा जो उड़ाया जा रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, तो ये केवल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से ही उड़ाया गया ये प्रोपेगेंडा है। और जो कि किस लिए उड़ाया जा रहा है आप भी बखूबी जानती हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजर मानकर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, हमें तो नहीं पता सर, आप समझा दें, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती क्यों ये, क्या आप मुझे बताइए क्या बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा समझा दें मजीद क्या कह रहे हैं आप इंसानियत की बात करने का हमेशा दिखावा करते हैं, आपकी हुकूमत दिखावा करती है, फिर क्यों सियासी झगड़े में आवाम को तंग कराने पर तुले रहते हैं? ये बात समझ से परे है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हिमायती रहा है। हम इंसानियत की बात करते हैं। भारत ने आज पाकिस्तानी हिंदुओं को भी नागरिकता दी है, और जो पाकिस्तान हमारे यहाँ जितने भी हिंदू हैं, एक मिनट अतर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है सौरभ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अतर, मुझे समस्या ये है कि इस समय पाकिस्तान को इमरान नहीं बल्कि बुशरा चला रही है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान गरीब देशों के ऋणों की अदायगी बंद हो ये कहता है, लेकिन पाकिस्तान में धन का दुरुपयोग कैसे होता है हथियारों की खरीद में, ये पाकिस्तान जाता है। उन हथियारों का दुरुपयोग कैसे होता है ये पाकिस्तान की सत्ता को चलाने वाली एजेंसियां जानती हैं। पाकिस्तान केवल आरोप लगाने और प्रोपोगेंडा पैदा करने की कोशिश जो हर समय करता है वही कोशिश इस बार कर रहा है। जहां तक रही किसानों के मामले की बात, तो किसानों का मामला भारत का अंदरूनी मामला है, हर देश में ऐसे मामले होते हैं। बड़ा सीरियस इशू है, और वो है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हाल ही में यूएई गए थे और दुबई में, आई थिंक अबूधाबी में सॉरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें इस चीज का पता चला है कि भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा है। और उन्होंने, भारत ने ये बात अपने उन पार्टनर से की है जो उनके पार्टनर है, उन्होंने नाम नहीं लिया सर, प्राइमरली शायद अमरीका ही होगा, तो और तो यंग इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, ज्यादा एक्टिव तो अमेरिका है आपके साथ, तो और उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरह का करें तो ये फिर आपको कोई इतराज तो नहीं होगा या कुछ कहेंगे तो नहीं हमें, तो हाउ डू यू सी इस स्टेटमेंट को भारत में कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सीरियस लिया जा रहा है इसको। जी अशोक भाई, नहीं देखिए, कोई भी कंट्री, मैं पाकिस्तान भी इसमें सीरियसली लिया जा रहा होगा क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, और पाकिस्तान एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है, यदि उस कंट्री को लगता है कि उसको हमला हो रहा है तो वो तो सीरियसली लेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप सीरियसली किसको लेते हो ये भी देखना होता है। यदि आपके फॉरेन मिनिस्टर इतनी नॉन सीरियस बात इतनी सीरियसली कहते हैं तो वो भी हास्यास्पद है।
भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और भी करेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। जब जब पाकिस्तान की धरती पर आतंकी शिविर चलेंगे, आतंकवाद को साथ देने वाले लोग होंगे, वो आतंकी गतिविधियां होगी जो बॉर्डर से इस बॉर्डर पे हमारी तरफ पुश करने का प्रयास करेंगे, तो रिटेलिएशन होगा। जब हमारे यहाँ कुछ जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अंग है, भारत की नाक है हमारी, यदि वहां कोई गलत गतिविधियां होती है और यदि वहां पाक के सबूत मिलते हैं, वहां लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना मोस्ट वांटेड जो आतंकी था वो आप ही के प्रदेश में, यानी पाकिस्तान में ही मारा था। सवाल ये है कि हमें वो जो कहते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि हम किसी और देश से पूछ रहे हैं, हमें किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने अभी बात में कहा कि आपने अमेरिका से पूछा होगा, अमेरिका में अभी सियासत जो चल रही है, ट्रंप गए, अभी नए राष्ट्रपति आए, अभी वो चेंज और ठीक से हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात, अमेरिका ने कई बार हमारे देश को कहा, आपको भी कहा कि वो कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करना चाहती है, और हमने अमेरिका को वार्न किया ये दो देशों का मसला है, इसमें आप बात नहीं कर सकते। इतनी ताकत हम रखते हैं, हम अपने साथ मित्र रखते हैं, हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहते। एक मित्रता अलग होती है और आप किसके आधिपत्य में रहते हैं, किसी के अंडर रहते हैं, वो बात अलग होती है। आज अमेरिका को यदि जहां भारत का हित है, वहां मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, मेरी सरकार पे और हमारी फौज पे, कि वो भारत के हित को कतई ये नहीं कहेंगे। लेकिन साथ में ये बात भी बता दूं, इतिहास गवाह है, 1947 से लेकर आज तक भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति के संबंध बनाए रखना चाहता है। मैं बार बार कहता हूं, यदि तकलीफ होगी तो उसका रिटेलिएशन होगा, और यदि जब जब हम पे हमले हुए, हम पे वॉर भी हुए, दो बार पाकिस्तान ने युद्ध पुकारा है, दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन उसके साथ भी कोई जमीन नहीं रखी पाकिस्तान की, कभी कोई पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी लोग हमारे यहाँ सरेंडर हो गए सबको वापस किए। हो सकता है गलतियां हर एक से होती है, हर देश में अपना पॉलिटिकल एम्बिशन होती है, और कई बार पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते अपने देश को आप बर्बादी के कागार पे ढकेल देते हो। ऐसे दो तीन हादसे आपके यहाँ हुए, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी जो वर्तमान में आपकी लीडरशिप है ये सोचती होगी कि वो भारत पे हमला करेंगे। रिटालिएट आप करोगे, बिल्कुल, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आप रिटालिएट करोगे, ये तो कोई भी छोटा देश कहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। फिजा खान और कमर चीमा की बोलती बंद कर दी है भारत के पैनलिस्ट ने। फिजा खान 24 घंटे रोना रोती है कि भारत हम पे हमला करता है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बल्कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की क्या हालत है आपको पता ही है। कुछ दिन पहले हिंदुओं की लड़की उठा के लेके गए थे और सिख ग्रंथी की लड़की उठा के लेके गए थे पाकिस्तान के मुस्लिम कट्टरपंथी। मुजाहिरों का क्या हाल है जो भारत से 1947 में वहां गए थे, ये आप सबको पता है कितनी गंदी दशा में है। बलूचों का क्या हाल कर रखा है पाकिस्तानी फौज ने, ये आपको पता है। हजारा कम्युनिटी का क्या हाल कर रखा है पाकिस्तान का, वो भी आपको पता है। और साथ ही साथ अपने यहाँ के शियाओं को भी ये काफिर कहते हैं। थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में रैली निकली थी जिसमें 500,000 से ज़्यादा सुन्नी मुसलमान आए थे और कह रहे थे शिया काफिर, ये आप सबने देखा है। और ये भारत को ज्ञान पढ़ाते हैं। पाकिस्तान का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि भारत कभी टूट जाएगा, ये सपना ही देखता रह जाएगा। धन्यवाद।